नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआरआर न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री जयबान सिंह पवैया कल रात गुना पहुंचे थे, जिसके बाद आज उन्होंने सुबह सर्किट हाउस में जनसंपर्क किया। साथ ही श्री पवैया ने पत्रकारों को बताया कि भविष्य में पेयजल के संकट से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे व पैसे की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बोला कि फसलों के सुझाव देने के लिए कौन सी फसल कारगर हो सकती है, उसके लिए अक्टूबर माह से सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं होंगी। उसके लिए प्रशासन और कृषि विभाग के आला अधिकारी सलाह देंगे और कमजोर गरीब किसानों को प्रशासन बीज कीटनाशक दवा ग्राम सभाओं में ही उपलब्ध कराएगा। सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं, विशेष रंग में प्रधानमंत्री आवास उपमायत जो कुछ हुआ है वो किसी अधिकारी की गलती के कारण हुआ। मैंने कलेक्टर से कहा है क्वेरी करो, उसकी जांच मेरे पास दीजिए कैसे ऐसा हुआ है। और जो आवास ले रहे हैं उनके लिए भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनका मन माफी मिला, अपने अपने आवास उतारी करने का उनको अधिकार है। इस तरह की कोई कार्रवाई शासन नहीं करती। राइटिंग में आदेश, राइटिंग में स्काई ब्लू कराएं, कैंसिल कर दिया। 29/7 को आदेश किया था उनने स्काई ब्लू वाला, सर आसमानी कलर के अलग पुराने सी होने के पुराने सी होने। आप उसका डीओ लिखिए सर, मैं लिख दिया कर रहे हैं, तंबी कर दिया उसको। नहीं, आप मुझे कॉपी दीजिए, मैं पीएस विकास मंत्रालय कार्रवाई सर धर्मांतरण का बहुत स्पष्ट कानून है देश में। बिना शासन के शहरी के इस तरह के कन्वर्जन नहीं हो सकते। जो कन्वर्जन हुए उनकी शिकायत अगर हम तक आती है तो हम उस पर जांच भी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इस तरह की गतिविधियों की छूट होना जिले में आपराधिक जगह सील की गई, उनका क्या किया जाएगा दिल्ली की। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज गुना एवं अशोकनगर जिले के किसानों ने जिला सहकारी बैंक के सामने किया धरना प्रदर्शन। यहां किसानों का बैंक पर आरोप है कि बैंक ने उनके फसल बीमा की राशि आने के बावजूद भी उन्हें नहीं दी है। वहीं किसान बंधुओं ने यह भी बताया कि इस बीमा भुगतान प्रक्रिया में बहुत बड़ा घपला हुआ है कि जिसका फसल का नुकसान 80% हुआ है उसे बीमा की राशि सिर्फ 2% नुकसान की ही दी जा रही है। इसके पीछे क्या घपला है और कौन है इसके जिम्मेदार, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, जो धरना रखा हुआ, जो किसानों का धरना है, इसमें भारतीय किसान संघ का बैनर है, लेकिन किसान इस समय कटाई और दुनिया के संकट में बीता हुआ है, किसानों के गले पे अटक है, इसलिए यहाँ आने पड़ा। एक महीना से ऊपर किसानों को जो बीमा आया है, यहाँ की जो जीएम मैडम है उसे एक महीना से अशोकनगर गुना के बीमा को किसानों को जो पैसा मिल जाता है वह इसी बैंक में रखे हुए है। एक महीना से इसने एक छदाम दोनों जिले के कहीं भी शाखा में नहीं डाली और ऐसी सुनवे में भी आई है, ऐसी सूचना तंत्र के हिसाब से मिली है कि यह किसानों के कर्ज में डालेगी और इसीलिए ये दे नहीं रही। इसलिए ये बीमा जो किसान आया है, ये जब बैंक की जो जीएम मैडम है इसकी भी बापोती नहीं है, किसी भी सरकार की बापोती नहीं है। जो किसान का हक है, किसान का बीमा है, 10-15 साल से किसान प्रीमियम राशि जमा कर रहा था, जैसे कि ये किसान 4,000 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि करता है और 10-15 साल में बाकी 40-50 हज़ार रुपया किसान ने प्रीमियम राशि जमा कर दी। कहीं किसान है 35,000 है, कहीं 40,000 है, तो उसकी राशि उसको नहीं मिल रही। इसमें किसी की बापोती, किसी का एहसानदारी नहीं है। फिर भी जो मैडम है, जो बहुत भ्रष्ट मैडम है, किसान विरोधी है, इसने दोनों जिले में एक भी किसान को एक लाल छदाम नहीं डाली। और यहाँ आप जो किसान आए हुए हैं, कोई नेता नहीं है। यहाँ के किसान जब जाएंगे, जब यहाँ से बीमा की राशि डल जाएगी, अंततः हम यहाँ आमरण अनशन भी कर सकते हैं और चक्का जाम भी कर सकते हैं। मैडम सर ने मुँह से नहीं कहा, यहाँ तक ताला मटोली कर रहे हैं, मैडम ने तो मुँह से नहीं कहा। और कोई सूचना तंत्रों के हिसाब से किसानों से कह दी है
हम लोग इनसे किसान इनसे कि भैया जो शायद ये नहीं मिले अब तक जो भी बीमा राशि आती थी एक दो बार और पहले आई है छोटी छोटी राशि दो दो पाँच पाँच सौ हजार हजार रुपया कभी भी अशोकनगर जिले में तो कभी भी एक पैसा इस बैंक से किसानों को नहीं मिला और कर्ज में ही काटते हैं। देखिए 27 तारीख को सीएम जो आए थे उन लोगों ने घोषणा की थी, किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए थे और उन्होंने ये भी बोली थी कल से बीमा वितरण हो जाएगा, लेकिन वह 27 तारीख आने को होगा। अगली 12 तारीख से सभी बैंकों में बीमा की राशि आ चुकी है, सभी बैंक बीमा की राशि दे रहे हैं, किसानों को मिल रही है, लेकिन जब बैंक की नीति गलत है, इसकी भावना गलत है, इसलिए किसान को बीमा देवे के मूल में जी है नहीं। कलेक्टर साहब से बात की, यहाँ कलेक्टर से बात की, अशोकनगर कलेक्टर से बात की, तीन बार ये मैडम से भी मिले, चार दिन, तीन दिन, एक माह भी थी। समस्या ये है कि इसमें पूरा गड़बड़ झाला हुआ है हल्का भाई हल्के का, हल्का नंबर एक के हैं अशोकनगर के और हमारा बीमा डाल दिया हल्का नंबर 6 में, जहाँ 2% नुकसान था, हमारे हल्के में 80% नुकसान था। तो जो पुराना 2012 से पहले जो सिस्टम था हल्का नंबर और जो 2015 के बाद जो सिस्टम चेंज हुआ, इनने उसको अपडेट ही नहीं किया और पुराने सिस्टम से ही उन्होंने डाल दिया, तो पूरा गड़बड़ झाला हो गया और 70% लिस्ट इधर की उधर हो गई। बीमा राशि जो हमें 80% मिलना था वो हमारे खाते में 2% आई और दूसरे उसमें आई सोसाइटी में, हमारी साढ़ा सोसाइटी जगह असोनर सोसाइटी में हमारे नाम चले गए। ये मेन मुद्दा है, इसमें सुधार की बात करते हैं, मैडम कहती हैं जेल भेज देंगे, कोई सुधार नहीं होगा, जो है सो वही रहेगा, ऐसा होता है क्या? न्याय चाहिए किसानों। उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयबान सिंह पवैया आज गुना पहुंचे। वहीं उन्होंने इस साल अब तक जिले में निर्धारित वर्षा से कम वर्षा होने पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अल्प वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए अभी से समुचित तैयारी आरंभ कर दें। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग आपस में तालमेल रखते हुए कारगर कार्य की योजना बनाना सुनिश्चित करें। श्री पवैया ने यह निर्देश आज यहां संपन्न हुई अल्प वर्षा पेयजल एवं जिला उपयोगिता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक के, बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अर्चना बल्लू चौहान सहित गुना नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा भी उपस्थित रहे। कई जिलों में अवस्था की और अवस्था के हालात पैदा होते हैं, तो हमें अभी से पूरी कार्य योजना तैयार करना है। प्रकृति पर किसी का बस नहीं होता, ये समस्या राजनीतिक नहीं या प्रशासनिक नहीं, अन्न का तो विकल्प होता है कि किसान को मुआवजा नहीं मिल जाए, अन्न बाहर से आ जाएगा, पर पीने के पानी का कोई विकल्प नहीं मिलता है, वो बहुत बड़ा संकट होता है जीवन के लिए। अभी बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए। गुना में जो सामान्य वर्षा हमें चाहिए क्योंकि और पानी पीने के लिए, उसमें आज की तारीख पर क्या हालात हैं? 5 विकास खंड हैं और बची हुई नगर पंचायत और नगर पालिकाएं भी, तो एक तो वर्षा की स्थिति, अभी 2 दिन में भगवान की कृपा से और पानी यहाँ मिला है और 7-8 दिन के अवसर हैं जब कभी पानी आ सकता है, तो फाइनल पोजीशन तो 10 दिन बाद सामने और आता है। वर्षा की स्थिति जैसे पीने के पानी के हालात, शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। मामला सामने आया है नजूल कॉलोनी के श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर से, जहां चोरों ने विगत रात्रि मंदिर का ताला तोड़कर उसमें से 2 दान की पेटियों पर अपना हाथ साफ कर दिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विगत करीब 6 माह से इन पेटियों को नहीं खोला गया था। चुपचाप रहे।
आज जब सुबह में मंदिर पे आया, आके मैंने देखा तो ताला एकदम पूरा खुला हुआ धरा था, अंदर वाला ताला भी खुला हुआ था। ताले तो अभी तक मिले भी नहीं। जब मैंने अंदर का और सामान देखा तो सामान अपनी जगह पे सब रखा हुआ है, लेकिन है ना जो मंदिर की दान पेटी थी, एक गऊदान वाली और एक जो दान पेटी मैंने रहती है, वो तो वो दोनों गायब मिली। जब मैंने पूरे में इधर उधर देखा तो फिर एक भैया ने मुझे पीछे से दान पेटी टूटी टाटी उठा के लेके आ गया, पंडित जी ये मंदिर की दान पेटी। देखा तो उनमें से जो भी दान था वो तो सब गायब था, लेकिन दान पेटी अकेली। करीबन अपन ने 6 महीने हनुमान जयंती के टाइम खोली थी, जब से अभी तक उसको नहीं खोली थी अपन ने। मेरा नाम अनिल भार्गव है, मंदिर की पूजा करता हूँ मैं। उच्च शिक्षा मंत्री जयबान सिंह पवैया ने आज यहां गुना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गौरतलब है कि यह रथ गुना जनपद के विभिन्न गांवों में लोगों को स्वच्छता की अलग जगाने के लिए गांव-गांव में घूमेंगे। फसल बीमा की राशि जमा करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा, ऐसा कहना है जमरा ग्राम के किसानों का। आज जमरा ग्राम के किसान बड़ी संख्या में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ तो अपनी बर्बाद फसलें दिखाई, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारियों पर कई प्रकार की लापरवाहियों के इल्जाम भी उन्होंने लगाए। समस्या है कि सर हमने बीमा जमा किया था, ना तो बीमा मिलता है और ये फसल दिखा रही सर, इसमें कोई फल नहीं है, ना तो तहसीलदार ना पटवारी कोई सुनवाई नहीं करते, कोई देख के आने कोई सुनवाई नहीं करते और खबर करते हैं कि तुम आओ यहाँ पर और ये देखा हो तो हम दिखाएं। दौड़ पटवारी संजा के शाम के टाइम क्या गुना आ जाओ, गुना आया तो पटवारी ना कोई भी, ना तहसीलदार ना पटवारी कोई भी नहीं है, कोई नहीं सुनवाई नहीं। अभी यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आए तो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जा रहे थे, वो बोले गए अभी तक अब नहीं मिलेंगे, 2:30 बजे के बाद में मिलेंगे, जो खाना खाने के बाद में मंत्री साहब से मैं मिलाता हूँ तो ये बोले मंत्री साहब को बताया, मंत्री साहब जी बोले इससे गर्मी लगती है मेरे को, मंत्री साहब ने बोला कुछ नहीं हुआ इसका, कहीं जाओ भी घर फेंक दाना डोर बेल। नगर पालिका गुना में कार्यरत सफाई कामगारों ने आज एकत्रित होकर नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सफाई कामगारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को सीएमओ के समक्ष रखा, जिसमें विशेषकर उनके मानदेय को बढ़ाने की बात भी मौजूद थी। वहीं सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर जल्द ही विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हमने यहाँ नगर पालिका पे माननीय सीएमओ साहब को निवेदन करने आए एवं अध्यक्ष महोदय को निवेदन करने आए कि जिस प्रकार से पहले तो अभी पेपर में जैसे नगर पालिका द्वारा या अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया था कि 400 सफाई कामगार यहाँ पे मतलब नगर पालिका में कार्यरत है, जबकि ये गलत है। सफाई कामगार जो है 250 के समथिंग है, जो कि अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो अन्य लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं वो हमारी समाज के नहीं है, वाल्मीकि समाज के नहीं है, सफाई वर्ग से नहीं है। अभी जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सफाई कामगारों के वेतन को रोक करके नगर पालिका के दूसरे अन्य विभागों की तनख्वाह कर दी गई है, इसलिए सब कर्मचारियों में इस बात का भी रोष है कि ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि जो कि अभी जो नए लोग लगाए गए हैं इस परिषद में उनकी वेतन 10,000, 12,000, 15,000 तक है, जबकि हमारे सफाई कामगार जो है उनकी किसी की तनख्वाह 4,000 रुपये है, किसी की तनख्वाह 5,000 रुपये, किसी की तनख्वाह 6,000 रुपये, जो कि ये
नियम विरुद्ध है। इसलिए हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि और शहर वालों से भी, गुना नगर की जनता से भी अनुरोध करते हैं कि हमारा साथ दें और हमारी जो जायज तनख्वाह है वो जायज तनख्वाह कराने की में हमारी सहयोग प्रदान करें। सीएमओ साहब तो हर बार यही एक आश्वासन देते हैं, ठीक है मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आज तक कोई निराकरण नहीं किया सीएमओ साहब। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में विगत दिवस एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह आयोजन आगामी त्योहारों की श्रृंखला के मद्देनजर रखते हुए किया गया, जिसमें दोनों समाजों के वरिष्ठ जनों ने हिस्सा लिया। साथ ही झांकी समिति एवं ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों ने यहाँ पर प्रशासन एवं आमजन के समक्ष कई महत्वपूर्ण बातें रखी एवं उनके द्वारा किए जा रहे आयोजनों से आमजन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने करने की बात भी कही। देख रहे हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। लोग सोचते हैं कल रात में पूरी रात खराब करेंगे और फिर बच्चे भी बैठ जाते हैं गाड़ी पे, घुमाने की जिम्मेदारी होती है, जाने दिखाने की जिम्मेदारी होती है। बाकी हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग आए जिन्होंने परसों इस शहर को दिए हैं, शहर को सुंदर बनाने में ऐसे में। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आज अग्रवाल महिला मंडल गुना द्वारा स्थानीय मानस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाएं यहाँ उपस्थित रही। गुना दौरे पर रहे जिले के प्रभारी मंत्री जयबान सिंह पवैया पहुंचे ग्राम बहटा घाट। उन्होंने यहां पहुंचकर बहते नाले में जल रोकनी बोरी बांधकर जल संरक्षण की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। डीजीएनआई न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।